एवरीवन, मैं रविंदर, अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 4, ये फ्रैक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम कुछ डेफिनेशंस को समझ लेते हैं जिनके बेसिस पे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो यहाँ पर थ्योरी पोर्शन के लिए कब निपटाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, सीमांत संतुलन की अवस्था में अगर ये दो पिंड एक दूसरे पर रखे हुए हैं, जो मैंने डायग्राम में शो किया है, सीमांत संतुलन की यहाँ पर कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सीमांत संतुलन की अवस्था में ये दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में, इसपे पी न्यूटन का फोर्स इधर लगा, फ्रैक्शन फोर्स इधर लगेगी, ठीक है। इस पिंड का भार डब्लू नीचे, रिएक्शन ऊपर, ठीक है। तो अब यहां पर हम बात करें, इस पॉइंट ओ पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फ्रैक्शन फोर्स नीचे और एक रिएक्शन फोर्स ऊपर। डब्लू भी नीचे लग रहा है, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो फ्रैक्शन फोर्स डिपेंड करता है आर पर, नॉर्मल रिएक्शन पर। तो यहाँ पर देखिए, एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों बलों का अगर हम परिणामी बल निकालें, एक बिंदु पर दो बल लगे हुए हैं उनका परिणामी निकालना हम बहुत अच्छे से पीछे मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इस बिंदु ओ पर एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, इन दोनों का परिणामी निश्चित रूप से इसी बिंदु से जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक डायगोनल बना ले रहे हैं, मतलब एक समांतर चतुर्भुज बना ले रहे हैं, ठीक है। इस बल के पैरेलल एक लाइन ये खींच ली और इस बल के पैरेलल एक लाइन ये खींच ली, इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, तो समांतर चतुर्भुज यहां बना लें या फिर इस ट्रायंगल को ले लें, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज बना लो आप, ठीक है। तो हमें ये निकालना है इसका रिजल्टेंट, दो बलों का रिजल्टेंट आपको पता है, डायगोनल से बताता है, तो यहां पर ही दिख रहा है आपको ये समांतर चतुर्भुज। तो यहां पर हम ये कहेंगे क्वेश्चन डेफिनेशन के लिए, देखिए जो परिणामी, ये जो ये निकल के आ रहा है परिणामी बल, इन दोनों का परिणामी बल ये निकल के आ रहा है, ठीक है। ये परिणामी बल इस बल के साथ ये एंगल बनाता है, एक एंगल, जिस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रैक्शन। डिफाइन कैसे करेंगे, घर्षण बल तथा अभिलंबीय प्रतिक्रिया आर, घर्षण बल ये और अभिलंबीय प्रतिक्रिया ये, ठीक है, के परिणामी एस, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है एस, अभिलंबीय प्रतिक्रिया की दिशा से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। ये आप डेफिनेशन नोट कर लेंगे, ठीक है, कि अभिलंबीय प्रतिक्रिया और घर्षण बल इन दोनों का परिणामी, परिणामी प्रतिक्रिया अभिलंबीय प्रतिक्रिया के साथ जो एंगल क्रिएट करती है उसको हम कोण ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। इस कोण ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने के लिए ये मैं ट्रायंगल यहां पर एक अलग से यहां ज़ूम कर ले रहा हूं, इसका नाम ए बी, ए बी और ये पॉइंट एस है और ये एंगल ये बना हुआ है। यहां पर इस डायरेक्शन में मेरे पास आर लगा है, इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या एफ लगा हुआ है और ये डायरेक्शन में मेरे पास क्या लगा एस लगा। तो यहां पर मैं टेन, इन ट्रायंगल में मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब मेरे पास ये है, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा किसी भी त्रिभुज में लंब कहलाती है, ठीक है, 90 अंश के सामने कर्ण और बची हुई आधार, तो यहाँ एफ अपॉन आर हो जाएगा। और एफ की वैल्यू हमें पता है एफ इक्वल टू म्यू आर, पीछे हम पढ़ चुके हैं, यहाँ मैंने एफ की जगह पे म्यू आर लगा दिया, आर से आर कट गया। और यहाँ पर थीटा ये लेमडा, लेमडा बराबर मैं अगर निकालूं तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स, टेन इनवर्स म्यू, टेन इनवर्स म्यू आ गई। तो ये हमारा एक रिलेशन निकालना था, ये घर्षण कोण तथा घर्षण गुणांक में संबंध है। इसको बुक में दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया, आप बुक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज के लिए देखते हैं, इसको बोलते हैं विश्राम कोण, विश्राम कोण, है ना। तो विश्राम कोण कहाँ हमारे पास क्रिएट होता है, कहाँ बनता है, तो इसके लिए ये नट समतल पे होता है। ये मैंने क्या, एक कोई प्लेन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है जिसके बीच में एंगल कितना अल्फा है ना। तो ये एंगल अल्फा ही हमारे पास क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज। लेकिन इसके साथ कंडीशन होती है, कब कहलाएगा, यानी कोई भी पिंड है वो किसी नत समतल पर, किसी प्लेन पर रखा हुआ हो और पिंड फिसले ना, बगैर बाहरी कोई बल लगाए हुए फिसले ना। जैसे मेरे पास ये मान लीजिए कोई प्लेन है और इस पर ये पिंड रखा हुआ है, अभी तो ये हॉरिजॉन्टल है, पिंड भी हॉरिजॉन्टल है, प्लेन भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन मैंने प्लेन को क्या है कुछ इस तरह से, ये देखिए ये खिसकने लगा, लेकिन इतनी इसकी नत हो जाए, ठीक है, कि ये पिंड क्या है ऐसे ये रुका रहे इस पर बगैर कोई बाहर फोर्स लगाए हुए, तो जो पिंड है या फिर ये प्लेन है उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जितना एंगल क्रिएट करता है उसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए डेफिनेशन में मैंने लिख रखा है, ठीक है, किसी भी नत
समतल का वह अधिकतम कोण, किसी नत समतल का वह अधिकतम कोण जिस पर रखा कोई पिंड बिना बाह्य बल की सहायता से विश्राम में विश्राम कर सके, तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये अल्फा एंगल है, ठीक है। तो यहां पर मैंने डब्ल्यू आर का कोई पिंड लिया है जो इस नत पर रखा हुआ है, इसका भार सीधा नीचे डाउनवर्ड लगेगा और इस बल, ये जो पिंड है इस पर प्रतिक्रिया बल कहां लगेगा, ये जो प्लेन है इसके जस्ट नब्बे अंश पर, ये आपको पता होगा, ठीक है। कोई प्लेन है, नत प्लेन है, उससे सीधे नब्बे अंश पर, हमेशा प्रतिक्रिया बल नब्बे अंश पर ही लगती है, चाहे प्लेन किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, ठीक है। प्रतिक्रिया बल कहां लगेगा आपका, 90 एंगल पर। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि मेरे पास क्या है, पिंड यहां रखा हुआ है, अब पिंड को फिसलने की टेंडेंसी क्या होगी, नीचे की ओर, यानी पिंड मोशन में किधर आ सकता है, इधर, है ना, चाहे फोर्स लगे इस पे ना लगे, अगर फोर्स कोई भी फोर्स इधर नहीं लग रहा है तब भी पिंड की टेंडेंसी मोशन में आने की इधर ही होगी, और कोई भी बाहरी फोर्स इस पे लग भी नहीं रहा है, कंडीशन भी है, बगैर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए पिंड यहां विराम अवस्था में रह सके, तो ये अधिकतम कोण ही हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। तो पिंड की टेंडेंसी इधर है मोशन करने की, तो इस मोशन करने की टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रैक्शन फोर्स लगती है, जो मैंने यहां पर दिखा दी, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको एनालिसिस करूंगा सीमांत संतुलन की अवस्था में, ठीक है। तो अब यहां पर जरा ध्यान देंगे आप कि मेरे पास ये यहां पर क्या है, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं, ये इसको मैं ब्रेक कर ले रहा हूं, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट मेरे पास ये हो जाएगा, ठीक है। ये भार डब्ल्यू जो मेरे पास है, ये भार डब्ल्यू, ये वाला एंगल कितना होगा अल्फा, इसको आप मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से निकालना आपको बताया था कि एंगल कब, अगर आपको नहीं समझ में आता तो मेरा पुराना सेकंड चैप्टर को उठा के देख लेना, ये कोण अल्फा होगा, ठीक है, ये कोण मतलब हाँ ये कोण आपका अल्फा होगा, ठीक है, तो ये कोण अल्फा हो जाएगा, ठीक है, मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, ये अल्फा है, ठीक है। तो इस बल डब्ल्यू को मुझे ब्रेक करना है, तो जिधर ये एंगल क्रिएट हो रहा है अल्फा, उधर हो जाएगा डब्ल्यू कॉस अल्फा, और इसके जस्ट लंबवत अक्ष कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू साइन अल्फा, ये डब्ल्यू को मैंने ब्रेक कर दिया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सीमांत संतुलन की अवस्था में सिग्मा एक्स बराबर जीरो, सिग्मा वाई बराबर जीरो, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले पूरे मैकेनिक्स में, सिग्मा एक्स बराबर जीरो, सिग्मा वाई बराबर जीरो और सिग्मा एम बराबर जीरो भी आपको ये संतुलन के सामान्य प्रतिबंध होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो इक्वेशन को हमेशा यूज करेंगे, सिग्मा एक्स बराबर जीरो और सिग्मा वाई बराबर जीरो, सीमांत संतुलन की कंडीशन यहाँ पर ये हम यूज करेंगे, तो इसीलिए मैंने ये ब्रेक किया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको एक्स अक्ष मान लिया, इसको एक्स अक्ष मान लिया है, इसको मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक्स अक्ष है और इसके जस्ट 90 अंश पर ये मेरे पास वाई अक्ष है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो एक्स वाले जो फोर्सेस हैं वो इसके बराबर होंगे, सिग्मा एक्स बराबर अगर जीरो में करूं तो डब्ल्यू साइन अल्फा वो बराबर हो जाएगा ये म्यू आर के, समीकरण नंबर वन। अब मैं सिग्मा वाई के लिए बैलेंस करूंगा, तो वाई को बैलेंस करूंगा तो आर ये मेरे पास बराबर हो जाएगा इस के, ठीक है, तो मैं कहूंगा डब्ल्यू कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा मेरे पास आर की। अब मैं क्या करूं, समीकरण नंबर एक को समीकरण नंबर दो से भाग कर दे रहा हूं, यहां पर मैं कर रहा हूं समीकरण नंबर एक को डिवाइड कर दे रहा हूं समीकरण नंबर दो से, तो मुझे मिलेगा डब्ल्यू साइन अल्फा अपॉन डब्ल्यू कॉस अल्फा, ठीक है, बराबर मेरे पास हो जाएगा म्यू आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस मेरे पास क्या बनेगा टेन थीटा, तो मैं यहां कह रहा हूं टेन अल्फा इक्वल टू म्यू, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि अल्फा बराबर मेरे पास हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू, तो ये हम कह सकते हैं कि जो मेरे पास एंगल ऑफ रिपोज है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है टेन इनवर्स म्यू के बराबर, टेन इनवर्स म्यू के बराबर एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू होती है, या फिर मैं यहाँ पर म्यू की वैल्यू लगा सकता हूँ, यहाँ पर आप म्यू की वैल्यू लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ मेरे पास हो जाएगा टेन एल्फा म्यू बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा था टेन लेमडा, टेन लेमडा, ठीक है, म्यू बराबर क्या है टेन लैम्डा, तो चूंकि म्यू इक्वल टू टेन लैम्डा, ये पीछे एंगल ऑफ कोण में मैंने पढ़ा था, टेन से टेन कट जाएगा तो अल्फा बराबर मेरे पास लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, तो अल्फा और लैम्डा अभी मैंने एंगल ऑफ कोण के लिए निकाला था, तो वहां पर आपने देखा था कोण क्या था, तो ये इनमें रिलेशन होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पिंड के इस गुण के कारण घर्षण कोण लैम्डा को विश्राम कोण अल्फा या क्रांतिक कोण कहा जाता है, ये क्रांतिक कोण भी इसको बोलते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कोण ऑफ फ्रिक्शन, तो कोण ऑफ फ्रिक्शन के लिए ये मैंने डायग्राम यहाँ पर डिजाइन किया गया है, ठीक है, ये कोई पिंड है,
किसी समतल पर रखा हुआ है, इसको आगे खींचने के लिए कोई फोर्स मैंने मान लिया पी न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन मैंने इधर दिखा दी और ये पॉइंट ओ कह दिया। इसका बाहर पिंड का डब्ल्यू नीचे की ओर लगेगा, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है, इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए नहीं दिखाया। आप चाहो तो यहाँ दिखा सकते हो डब्ल्यू, ठीक है, ये ओ पॉइंट पर डब्ल्यू न्यूटन का कोई फोर्स लग रहा है। इसकी प्रतिक्रिया बल आर होगी, तो इन दोनों ए प्रतिक्रिया बल आर और ये फ्रैक्शन फोर्स आर दोनों का परिणामी बल अगर हम निकालें तो ये हमारे पास ये परिणामी प्रतिक्रिया होगी जो हमने पीछे निकाली थी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये पी न्यूटन का फोर्स है, इसको अगर हम जीरो एंगल से 360 डिग्री पर अगर घुमा दें, ठीक है, तो उसी के साथ साथ क्या होगा, ये जब पी की डायरेक्शन घुमाएंगे तो एफ की डायरेक्शन भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, वो भी जीरो से 360 एंगल, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहीं भी हम घुमा सकते हैं पी न्यूटन के फोर्स को, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जीरो एंगल से 360 अंश, यानी जीरो एंगल से लेकर के 360 अंश पर अगर हम घुमा दें तो हमारे साथ साथ ये भी घूम जाएगा और ये भी घूम जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी रिएक्शन की और इस रिएक्शन की, तो ये भी उसी के साथ साथ सब कुछ घूम जाएगा, है ना। तो यहाँ पर खास बात ये है कि हम बात करते हैं कि जो कोण ऑफ फ्रैक्शन है, तो इसके लिए हम जो परिणामी प्रतिक्रिया आर, इसको जीरो एंगल से 360 अंश पर घुमाते हैं और घुमाने के बाद ये पॉइंट ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक इस तरह की शेप बन जाती है कि परिणामी प्रतिक्रिया है ये है, इसको हम क्या करते हैं जीरो एंगल से लेकर के ऐसे करके जब घुमाते हैं क्लॉक वाइज ये इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करती है एक शंकु का निर्माण कर देती है, एक कोण का निर्माण करती है। और ये कोण जो हमारे पास बनता है, इसका एंगल जो बनता है, यहां से यहां तक हम लेते हैं फाई और यहां से यहां तक फाई, यानी टोटल मिला के अगर बात करें तो 2 फाई, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या कहलाता है कोण ऑफ फ्रैक्शन। तो इस कोण ऑफ फ्रैक्शन की डेफिनेशन और ये थ्योरी है, इसको आप अपने इसमें से थोड़ा सा नोट कर लेंगे, मैं अपना नोट्स को आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा पॉज जूम करके आप नोट कर लेना। तो हम अब यहाँ पर इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, और फ्रैक्शन की जो थ्योरी है उसका मेन पोर्शन लगभग में हम कवर कर चुके हैं 2 वीडियो लेक्चर में। उसके बाद हम कवर करेंगे इसके कुछ डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। डेरिवेशन पे बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, न्यूमेरिकल पे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन की थ्योरी है उसका कुछ रिमेनिंग पोर्शन आपको बहुत अच्छे से बुक से और थोड़ा सा बढ़ा के याद करना है और तैयार करना अपने एग्जाम के लिए। इतना जो मैंने लिखाया है या समझाया है, समझा कंप्लीट दिया है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, अभी आपको नोट करना है, थोड़ा सा बुक से पढ़ने की ज़रूरत है। फ्रैक्शन से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर मिलेगा 5 नंबर का, और बाकी न्यूमेरिकल आता है तो एक न्यूमेरिकल मिलेगा। न्यूमेरिकल अगले वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे और इसमें कुछ डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।